आज फिर हम गर्मी के अंदर निकले थे थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, तो फिर गन्ने के जूस पे आ गए हम, यही वाले लकड़ी वाले। तो आओ पीते और आपको भी नज़ारा दिखाते। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों देखो गन्ने के अंदर से कितना सारा जूस निकल रहा है, हमारे कपड़े तक इसके छींटे उड़ रहे हैं, फुहारा जैसा जूस उड़ रहा है आप देख सकते हो, और भर भर के गन्ने के अंदर जूस भरा हुआ आएगा, ऐसे जूस निकल रहा जैसा झरना नहीं होता, झरना गन्ने के जैसा। तो और बहुत ही मीठा गन्ना आएगा, गन्ने बहुत प्रकार के होते हैं पर यह गन्ना बहुत मीठा है। भैया थोड़ा सा इसमें पाइनएप्पल का थोड़ा टेस्ट डालते हैं, आप देख सकते हो पाइनएप्पल रखा है, और नींबू पुदीना तो डालते ही है, और देसी मशीन है लकड़ी की, तो उसका भी नज़ारा कुछ हो रही है। ये देखिए जूस देखो कैसे निकल रहा है, हर भर के जूस निकल रहा है। आपको भी आप कहीं पर भी ऐसी दुकान नज़र आए लकड़ी की बनी हुई, और इतना साफ़ सुथरा देखो, मक्खी वगैरह कुछ उड़ते हुए आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत ही साफ़ सुथरा काम है। और यहाँ पे हम जब भी निकलते इधर से गन्ने का जूस जरूर पीते। तो दोस्तों अभी हम गन्ने का जूस का नज़ारा लेते, आप लोग भी अपने गर्मी के अंदर गन्ने का जूस का नज़ारा लो, कहीं पर भी मिले आप गन्ने का जूस जरूर पीजिए, सेहत के लिए भी गर्मी के लिए बहुत लाभदायक होता है। और अभी हम गन्ने का जूस पीते, मेरे आप चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले नए ब्लॉग के अंदर फिर मिलते हैं जी दोस्तों। हाँ, क्या बहुत मीठा, बड़ा ही मीठा है।